हथियार लहराते हुए वीडियो बनाकर वायरल करने वाले युवक बुरे फंसे, बरेली के मीरगंज पुलिस स्टेशन की घटना। कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। वीडियो बनाना, वीडियो वायरल करना बेहद एक बड़ा शौक आज का बन चुका है, मगर ये वीडियो कभी कभी आपके लिए परेशानी का सबब बन सकते हैं, आपको कानूनी कार्रवाई के घेरे में ला सकते हैं। ये पता होने के बावजूद ये चलन रुक नहीं रहा है। उत्तर प्रदेश के बरेली में मीरगंज पुलिस स्टेशन के अंतर्गत ऐसा ही एक मामला हुआ है। SSP और DIG के संज्ञान में वीडियो आने के बाद फौरी तौर पर ये वीडियो बनाकर वायरल करने वाले युवकों पर कार्रवाई हुई है। तो मामला क्या है, कुछ युवक है एक कार में बैठ करके, जिस पर भाजपा का झंडा भी लगा हुआ है, हथियार लहराते हुए कार चलाते हुए चल रहे हैं। अन्य जगहों पर भी हथियार का प्रदर्शन कर रहे हैं, कारों में, गाड़ियों में बैठकर ये हथियारों का, जिसमें आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिक राइफलें जैसी जो है राइफलें इनके पास दिख रही है, शॉर्ट गन्स दिख रही है, जो कि बेहद घातक हथियार है। पुलिस ने जैसे ही इसका संज्ञान लिया, वीडियो की जांच की, तो लाइसेंसी हथियारों का प्रदर्शन जिनके पास लाइसेंस नहीं है वो युवक कर रहे थे, अपने रिश्तेदारों के लाइसेंस है उनके हथियार है लेकर के ये वीडियो बना करके वायरल कर रहे थे। अब इस मामले में जिनके नाम पर लाइसेंस है उन पर भी पुलिस ने कार्रवाई की है और अब उनके लाइसेंस जो है सस्पेंड करने की प्रक्रिया की जा रही है। सुखबीर सिंह, रामपाल और नीटू फौजी, इनके ये हथियार है, इन पर ये इस तरह की कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। वहीं लाइसेंस न होते हुए हथियारों को हवा में लहराकर उनकी वीडियो बना करके वायरल करने वाले शनि प्रताप उर्फ फौजी और सचिन को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। ये 29 जनवरी रविवार को पूरी कार्रवाई की गई है, उससे एक या दो दिन पहले इन्होंने ये असलाह या हथियारों समेत लहराने के वीडियो बना करके वायरल किए थे। सोशल मीडिया पर थाना क्षेत्र मीरगंज का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ युवक गाड़ियों में बैठकर असलाओं का प्रदर्शन कर रहे हैं। गाड़ी नंबर के आधार पर लोगों को ट्रैक किया गया है तथा दो लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया है। जो लाइसेंस हैं वो उनके परिवार के लोगों के ही हैं, लिहाजा लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन करने के कारण जो है 30 आम से कम मुकदमा लाइसेंस होल्डर के मुकदमे पंजीकृत किया गया है। और जो संबंधित गाड़ी है स्कॉर्पियो ब्लैक कलर की, उसको भी सीज किया गया है।